नहीं वो नारायण मेरे बाद में कहते अच्छा उधर आ जा फटाफट। राजस्थान विधानसभा के चुनाव जारी हैं और 7 तारीख को मतदान है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर जिले की हॉट सीट, जिसमें रामेश्वर डूडी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहां पर खड़े हैं। लेकिन यहां चतुष्कोणीय मुकाबला, बड़ा मुकाबला बनता जा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी मेक सिंह रामेश्वर डूडी कांग्रेस से, इंदु तर्ड जो कि उन्हीं की भांजी है रामेश्वर डूडी की, उसके अलावा बात करें हम बिहारी लाल विश्नोई जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो प्रत्याशी हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त हैं मेघ सिंह, हम उनसे बात करते हैं। मेघ सिंह जी, बहुत जबरदस्त कंटेस्ट होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं जनता है जो मुझे आशीर्वाद दे रही है, बहुत सहयोग दे रही है और जनता का रुझान है इस बार दोनों दलों के से हटकर और मुझे आशीर्वाद देने का उनका रुझान है। मैं आशा करता हूँ कि जनता मेरे को पूरा आशीर्वाद देगी, सहयोग देगी। मेघ सिंह जी, इस बार चूंकि पूरे राजस्थान में ही चुनाव हो रहे हैं, टिकटों के वितरण में गड़बड़ियाँ हुई, जो भी असंतोष बागियों के दम पर इस बार चुनाव है, जो कहा जा सकता है सरकार बनाने में बागियों का अहम रोल होगा। तो इसी तरह पर हम भी देख रहे हैं कि बीकानेर के इस नोखा क्षेत्र में भी आपका बड़ा रोल कहा जा सकता है, क्या कहेंगे? हाँ, इस बार टिकट वितरण बिल्कुल गलत तरीके से हुआ है। जो दमदार उम्मीदवार थे उनको दिया नहीं गया, इस कारण बागियों की भूमिका अवश्य रहेगी राजस्थान सरकार बनाने में और अपने बीकानेर क्षेत्र से भी कई बागी जीतेंगे। क्या मानते हैं आप, यहाँ अगर हम बात करें यहाँ पे मतदाताओं के रुझान, हमने भी मतदाताओं से बात की है, आप क्या मानते हैं, क्या आप किस तरह से अपने आप को पा रहे हैं? मुझे नोखा विधानसभा क्षेत्र की जनता पर पूरा भरोसा है, वो अवश्य मेरे में विश्वास जताएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। क्या वोटों की क्या संख्या है? वोटों का रुझान, जनता का रुझान, उनकी आंख मेरे पर टिकी हुई है और मेरे को विश्वास है कि वो मुझे ही आशीर्वाद देंगे और विधानसभा में भेजेंगे। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि मेघ सिंह जी वो नाम है जो एक तरह से पुराने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद के नेता हैं और नोखा की बसावट में भी बड़ा योगदान रहा है इनका। लेकिन खास बात, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बार बार घूम रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह से कांग्रेस के स्टार प्रचारक घूम रहे हैं, लेकिन मेघ सिंह का कोई स्टार प्रचारक नहीं है, मेघ सिंह खुद स्टार प्रचारक है। मेघ सिंह जी क्या कहेंगे आप, खुद अपने स्टार प्रचारक हैं, क्या कहेंगे? या मेरे स्टार प्रचारक यहाँ की जनता ही है जो मुझे आशीर्वाद दे रही है और इस बार नोखा का रिजल्ट चमत्कारिक रूप से चेंज होके आएगा और पार्टी, दोनों पार्टियों को जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं उनकी तरफ लोगों का झुकाव नहीं है, रुझान नहीं है। और आप अपना मान रहे हैं कि आपका एक तरह से अच्छा जाने का परिणाम उम्मीद है? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे विधानसभा में भेजेगी। और कोई हमारे साथ सरपंच साहब मौजूद हैं नोखा के ही कत्सू गांव के, हम उनसे बात करना है। क्या बताएं आप, क्या कहेंगे सर, यहाँ किस तरह की रुझान क्या महसूस? यहाँ रुझान सर, मेघ सिंह जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पक्ष में आ रहा है और इसके पक्ष में आने के बड़े कारण हैं ये हैं कि कांग्रेस और बीजेपी नोखा की जनता को नेर का पानी झांसा देते हुए 15 वर्ष हो गए। 2003 से शुरू हुए
और 2003 के बाद दोनों ही पार्टियों का शासन आया, लेकिन राजस्थान इंदिरा गांधी कैनाल का पानी नागौर चला गया, डीडवाना चला गया, लेकिन नोखा को नहीं पिलाया। इस बात से नोखा की जनता बहुत नाराज है और नोखा की जनता ये महसूस कर रही है कि राजस्थान में अल्पमत की सरकार बनेगी, उसमें हमारे मेघ सिंह जी जो निर्दलीय उम्मीदवार है इनके समर्थन से सरकार बनेगी और मेघ सिंह जी सरकार को मजबूर करके हमें नहर का पानी पिलाएंगे। ये बात पूरी विधानसभा क्षेत्र की इन पे आंख टिकी हुई है कि ये दोनों पार्टियां हमें नहर का पानी नहीं पिला सकती, मेघ सिंह जी ही पिलाएंगे। मेघ सिंह जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि नहर का पानी एक बड़ी समस्या है, यहाँ नागौर तक नहर चली गई लेकिन आपको गाँव को नहर नहीं मिली, क्या कहेंगे? ये दोनों ही पार्टियों का राज रहे, दोनों ही पार्टियों ने जनता को धोखा दिया, उनको झांसे में रखा। हमारे नोखा क्षेत्र के आधे गांवों में तो खारा पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो खारा है और उस वजह से वो बारिश का पानी बिना फिल्टर के पीने के लिए मजबूर है। और आधा क्षेत्र जहां ज़मीन से पानी निकलता है उसमें वो फ्लोराइड युक्त है, तो इस कारण फ्लोराइड के कारण काफ़ी बीमारियाँ, गंभीर बीमारियाँ हो रही है लोगों में। और लोगों की ये आशा थी भी कोई भी सरकार है जो हमारी इस कमी को पूर्ति करेगी, लेकिन दोनों सरकारों ने केवल झांसा ही झांसा दिया है। इस कारण वो मेरे में विश्वास जताते हैं भी ये हमारे लिए कुछ करेंगे और जनता इसी आधार पे पूरा मुझे समर्थन और बहुमत दे रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक बात कही जा सकती है कि यहाँ जनता ने जनता को धोखा दिया है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वादा सभी का रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ से रहे हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर कोई ऐसा कल्याणकारी कार्य नहीं हुआ जिसके चलते यहाँ कुछ बेनिफिट हो और उन्हें वोट मिले। चूँकि नोखा को कहा जा सकता है कि निर्णायक जगह और निर्णय की स्थिति साबित होती दिख रही है नोखा की। मेघ सिंह का कहना है ये, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के बागी प्रत्याशी हैं। के सिंह, समय राजस्थान, नोखा, बीकानेर।